अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट टू इलेक्शन ऑफिसर ईसीपी 2022 यानी 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफिसर का जो कि पेपर हुआ था अप्रैल के अंदर, उसका पार्ट टू। पार्ट वन में हमने इलेक्शन सेक्शन और 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्शन के बारे में आर्टिकल्स हैं उनके बारे में जो 15 या 14 एमसीक्यूज आए थे वो बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किए थे। वो बहुत ही इलेक्शन अगर ऑफिसर की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वो वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया। 6 मिनट की वीडियो है, बहुत नॉलेजेबल, बहुत हेल्पफुल आपके लिए, प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा। चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस्लामिक स्टडी के बारे में जो कि पोर्शन था उसमें से मैंने ये 20% उसमें से मैंने एमसीक्यू उसके किए हैं, तो इनको इंशाल्लाह डिटेल डिस्कस भी करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था जी, विच सूरा कंटेन द ऑर्डर अबाउट वजू गुसल एंड तयम्मुम। तो आपको पता है जो वजू गुसल और तयम्मुम का जिक्र है ना वो सूरा अल माईदा के अंदर है, जहाँ पे अल्लाह ने वजू तयम्मुम और मतलब गुसल के बारे में जो अहकाम नाजिल किए हैं, ये छठे पारे में सूरा है, सूरा अल माईदा। फ्राम विच वर्ड अकीदा इज ड्राइव। तो आपको पता जो अकीदा है ना, असल में बेसिकली ये वर्ड है अकद, अकद से निकला है। अकद का मायना होता है गिरा लगाना, तो असल में जो अकीदा है ये अकद से निकला हुआ है। अकद का मतलब गिरा लगाना, बांधना, तो इसलिए अकीदा का जो रूट वर्ड है वो आकादा है। अरबी में कहते हैं आकादा, आकादा, तो इसका आकादा है जी रूट वर्ड, तो अकद है इसमें। नेम द वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज डॉटर ऑफ उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला। तो जो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की बेटी थी, उम्मुल मोमिनीन है और ये हाफ़िज़े कुरान भी थी। तो ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम की कौन सी वाइफ है जो कि हाफ़िज़े कुरान भी थी, तो वो हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। तो ख़तीबुल अंबिया इज़ द टाइटल ऑफ विच प्रॉफ़िट। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो कि मदियन में थे पैगंबर और मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर भी हैं, उनको ख़तीबुल अंबिया कहा जाता है। तो हाउ मैनी वर्सेस वर इन फर्स्ट वही। तो आपको पता है जो सूरह अलक की पहली 5 आया नाजुल हुई वो सूरह अलक की थी और वो 5 आया थी जिसमें इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, ये 5 आयात आई थी। हाउ मैनी तकबीर आर इन नमाज जनाजा। तो आपको पता है नमाज जनाजा में 4 तकबीरात होती हैं, इस नमाज में कोई सजदा और कोई रुकू नहीं होता। वेर इज शेख अब्दुल कादर जिलानी बरीड। तो आपको पता है वो बगदाद में इराक में बरी हैं, उनको वहाँ पे दफन किया गया था रहमतुल्लाह अलैहि। वट इज़ द नेम ऑफ सूरा डेट वॉज लास्ट रिवील्ड ऑन द कुरान। तो अल नसर है जी जो कुरान की लास्ट सूरा रिवील हुई यानी वो नाजल हुई, तो वो सूरा अल नसर है जिसमें कुरान की आखिरी आयत आती है। तो विच कंट्री ला इज कंसीडर टू बी हार्ज। तो सऊदी अरेबिया जो है उसको हार्ज कंसीडर किया जाता है। तो आगे है जी, वर्ड ज़ुकात अकर्स इन द होली कुरान फॉर हाउ मेनी टाइम्स। तो 32 टाइम जनाब वर्ड ज़ुकात अकर्स किया गया है। आगे है जी, नमाज इस्तस्का ऑफर। तो आपको पता है बैक साइड ऑफ हैंड्स अपवर्ड, तो नमाज इस्तस्का इज ऑफर्ड विद बैक साइड ऑफ हैंड्स अपवर्ड। तो ये इसको हाथ जो होते हैं आपको बैक साइड में मतलब अप अप करके उनको नमाज को पढ़ा जाता है। तो नमाज इस्तस्का आपको पता है तब अदा की जाती है जब बारिश ना हो रही हो, ये भी याद कर लीजिए, भी पूछा जा सकता था। इफेक्टिव ज़कात सिस्टम कैन इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ पावर्टी। तो आपको पता है जो एक अगर एक्यूरेट इफेक्टिव ज़कात को इम्प्लीमेंट किया जाए तो उस माशरे में यानी बिल्कुल जो है गुरबत ख़त्म हो जाएगी। हाउ मैनी टाइम द मुस्लिम हैव बीन कमांडेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ नमाज। तो 700 टाइम अल्लाह पाक ने कुरान में नमाज के बारे में बताया।
हाउ मैनी बोज आर देयर इन द होली कुरान। तो कुरान करीम में 14 मकाम ऐसे आते हैं जहाँ पे जो सजदा किया जाता है, यानी वहाँ पे अल्लाह करीम को फौरन सजदे में पढ़ के दुआ की जाती है। सजदे की दुआ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं आती तो प्लीज़ इसको याद कर लें। हम मुसलमान हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो भी ख़त्म करेंगे। आपने सजदा करना है तो सही क़िबला रुख हो के सब सजदे में रख के अल्लाह अकबर के साथ नीचे जाना और पढ़ना सजदा वजीहल्लज़ी ख़लक़हू वसव्वरा वसमअहू वबसरबिख़ुल्क़िही वक़ुव्वतिही फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। दोबारा मैं पढ़ देता हूँ, सजदा वजीहल्लज़ी ख़लक़हू सबाहू वसमअहू वबसरहू बिख़ुल्क़िही वक़ुव्वतिही फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। तो आप ये दुआ मिल जाती है, आप सर्च कीजिएगा गूगल, आजकल इंटरनेट है, वहाँ पे सर्च करें कि कुरान का जो सजदा उसकी कौन सी दुआ है। तो वो है सजदा वजीहल्लज़ी ख़लक़हू वसमअ ख़लक़हू वसव्वरा वसमअहू वबसरहू बिख़ुल्क़िही वक़ुव्वतिही फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पाकिस्तान फेयर का पोर्शन करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।